नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी स्टोर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल जो यस्टरडे मैंने जो वीडियो बनाया था मेष लगन के ऊपर, भावार्थ रत्नाकर किताब जो मैंने आपको बताई थी, जिसके ऊपर मैं बना रहा था कि मेष लगन के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो एक्सेप्शन सिर्फ मेष लगन वालों के लिए ही है। तो मेष लगन की कुंडली देखते वक्त जब भी आपके हाथ में कोई कुंडली आए मेष लगन की, तो उसमें वो 10-12 या जो भी 15 एक्सेप्शंस हैं वो चेक कर लेना चाहिए कि वो एक्सेप्शंस उसके अंदर आ तो नहीं रही हैं। अगर वो आ रही हैं तो उनका रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देना चाहिए, वो मेष लग्न वालों के लिए जरूरी है। और यही उस किताब में संदेश दिया हुआ है कि डिफरेंट लग्नों के लिए कौन कौन सी चीजें एक्सेप्शन हैं जो ध्यान रखनी जरूर पड़ती है, जहां पे कि एकदम कोई सिद्धांत नहीं मैच कर पाता, लेकिन वहां आपको अपने दिमाग से या आपको अपनी क्रिएटिविटी से लगाना पड़ता है हिसाब कि कैसे वो चीज पॉसिबल है। तो वही मैं आपको बता रहा था। जैसे कल तक हमारे 9 श्लोक हो गए थे, मैं आपको आगे स्क्रीन शेयर करता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए, ताकि आप वो देख सकें प्रेजेंटेशन। तो आपके ये 9 श्लोक हो गए थे। इसमें स्थान में तुमने बताया था कि द्वितीय स्थान में अगर शुक्र मंगल गुरु हो तो यह योग बहुत धनदायक योग होता है। इसके बारे में बताया था, यह धनदायक योग क्यों है? देखिए, शुक्र है धनेश, मंगल है लग्नेश, और गुरु क्या है? गुरु है भाग्येश। तो भाग्य साथ हो, स्वयं के साथ भाग्य हो और धनेश हो तो धन की प्राप्ति होती है, तो ये धनदायक सिद्ध होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मैंने कल भी आपको ये बताया था कि अगर साथ में यहाँ पे पराक्रम भाव का भी स्वामी बैठा होता शनि, तो भी ये बहुत अच्छा योग बनता। ऑल्दो कोई कह सकता है कि भाई शनि बैठा है तो शनि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि पराक्रम भाव का स्वामी होता और वो यहाँ बैठा होता तो धन भी होता, पराक्रम भी होता, भाग्य भी होता, लग्न भी होता, तो वो भी बहुत बड़ा धन योग बनता। तो ये श्लोक मैंने आपको बताया था कल, यहाँ तक मेरा हो गया था, आज मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। इसमें ये लिखते हैं, मंगल यदि गुरु और शुक्र के साथ तीसरे भाव में मिथुन राशि में स्थित हो तो वह योगप्रद नहीं होता। मेषे जातस्य भौमस्तु गुरु से शुक्र संवित तृतीयस्थो यदि भवे नयन योग प्रदो भवेत। तो मेष लगन की कुंडली हो और उसमें मंगल और गुरु और शुक्र तीनों एक साथ हों तीसरे भाव में, तो वह योगप्रद नहीं होता। क्यों योगप्रद नहीं होता? आप देखिए, आप इसमें देखेंगे मंगल लग्नेश है, लग्नेश तीसरे भाव में गया है, तो आदमी को ये कहना चाहिए कि भाई वो एफर्ट्स से तरक्की करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वो वहां पे अच्छा फल नहीं दे पा रहा है? वो फल इसके लिए अच्छा दे पा रहा है कि आप देखिए कि मंगल अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है नंबर 1, उससे गया है तीसरे भाव में, 1, 2, 3, और जो उसकी दूसरी राशि है 8 नंबर, उससे गया है 8वें भाव में, 7 और 8। तो ये एक सिद्धांत है कि जब भी कोई ग्रह अपनी दोनों राशियों से बुरे भावों में जाए तो वो अपने उन भावों की हानि करता है, जिन भावों में उसकी राशियां होती हैं उन भावों की वो हानि करता है। तो मंगल अपने भावों की भी हानि करेगा और जहां जाकर बैठा वहां की भी हानि क्रिएट करेगा, क्योंकि वो अपनी दोनों राशियों से अशुभ भाव में गया है। तो इसलिए ये योग जो बना गुरु और शुक्र के साथ, गुरु क्या था इसमें? भाग्येश था, शुक्र धनेश था और मंगल लग्नेश था। तो यहाँ पर हमने कहा कि योग नहीं बन पाया, पिछले श्लोक में योग बन गया था। अगर आप पिछला श्लोक देखें 9 नंबर, तो यहाँ पे ये योग बना था क्योंकि ये दूसरे भाव में थे तीनों, लेकिन अब ये तीसरे भाव में आ गया। दूसरे भाव में होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अपनी एक राशि से वो दूसरी राशि में गया हुआ था और अपनी दूसरी राशि से वो 7वें भाव में गया हुआ था, तो दोनों भाव ठीक भावों में गया हुआ था। लेकिन जहां ये मंगल ये तीन भाव तीसरे भाव में आ गए, गुरु शुक्र मंगल, वहीं पर ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मंगल अपनी दोनों राशियों से, जो लग्नेश है वो अपनी दोनों राशियों से अशुभ भाव में गया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, और इसको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। इससे अगला श्लोक मैं आपको बताता हूं, 11वां श्लोक है, उसमें ये कहते हैं मंगल चतुर्थ भाव में, यानी मेष जातस्य भौमस्तु गुरुणा च संविता चतुर्थस्तो यदि भवे योगदो भवती ध्रुवम। मंग कहता है कि मंगल और गुरु यदि चौथे भाव में बैठे हों
मंगल और गुरु, आई रिपीट, मंगल और गुरु यदि चौथे भाव में बैठे हों कर्क राशि में तो बहुत शुभ फल करता है। ये कैसे, ये सोचिए कि ये कैसे करता है। देखिए मंगल लग्नेश है और इवन मेष की राशि में बैठा हुआ है, कोई भी इसको एज ए बर्ड आई व्यू उसे दिखेगा तो यही कहेगा कि भाई मंगल लग्नेश है और लग्नेश आके चौथे भाव में मेष की राशि में आ गया है। गुरु भाग्येश है, ठीक है, लग्नेश और भाग्येश का संगम है तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन मंगल है तो नीच का, तो ये प्रश्न उठ सकता है इसके अंदर। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जैसे हमने ये बताया कि अगर कोई ग्रह अपनी दोनों राशियों से बुरे भाव में जाएगा तो वो अपने दोनों भावों का और जहां जाएगा वहां का फल अच्छा नहीं करेगा, उसी प्रकार यदि कोई ग्रह अपनी दोनों राशियों से अच्छे स्थानों में जाएगा तो वहां का फल, उन स्थानों का फल अच्छा करेगा जहां उसकी राशि है और जहां वो बैठा है उसका फल भी वो अच्छा करेगा। अब आप मंगल को देखिए, मंगल अपनी पहली राशि से, जो राशि है मूल त्रिकोण राशि, इससे 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में गया है और अपनी दूसरी राशि से 7, 8, 9 नवे भाव में गया है। तो यानी मंगल अपनी दोनों राशियों से अच्छे भाव में गया है, इसलिए मंगल नीच का भी होते हुए भी मंगल और गुरु यहाँ पे आपको अच्छा फल देंगे और शुभ फल क्रिएट करेंगे आपके लिए। अब इसके बाद जो श्लोक आता है मैं आपको बता देता हूं, वो श्लोक भी आप देख लीजिए। कुंभ राशि का लाभ स्थान में स्थित गुरु अपनी दशा में बुरा फल करता है। कुंभ राशि का लाभ स्थान में गुरु अपनी दशा में अच्छा फल नहीं करता। देखिए भाग्य का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है और वो लाभ भाव में गया है, तो ऐसे कैसे हुआ? कोई भी आदमी कहेगा जब भाग्य का स्वामी लाभ भाव में गया है तो उसको मतलब यह है कि भाग्य चपकेगा और उसको लाभ होगा, भाग्य के थ्रू उसको लाभ होगा, क्योंकि जहां वो गया है ग्रह लाभ भाव में ग्रह गया है तो उसे उस भाव के फल देने हैं, लाभ भाव के फल देने हैं। और फल कहां से देने हैं? फल उसको देने हैं जिस भाव का वो स्वामी है, वो रिसोर्स भाव के इस्तेमाल करेगा। तो गुरु जब लाभ भाव में गया है तो गुरु ने लाभ के फल देने हैं और स्वामी कहाँ का है? वो नवे भाव का है तो नवे भाव के रिसोर्स करेगा, यानी भाग्य के थ्रू आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ बुरा फल कर रहा है, ऐसा क्यों? तो ये एक बहुत सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी मेष लगन में ही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। कहीं भी भाग्य का स्वामी लाभ भाव में जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेष लगन में भाग्य का स्वामी लाभ भाव में जाए तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि वो अपनी गुरु जो है अपनी इस राशि से तीसरा गया है और इस राशि से बारहवां गया है, अपनी दोनों राशियों से अच्छे स्थान में नहीं गया है, इसलिए गुरु भाग्य का स्वामी होते हुए भी लाभ भाव में बैठते हुए भी अच्छा फल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी दोनों राशियों से अच्छे भावों में नहीं गया, दोनों राशियों से अशुभ भावों में गया है, एक से तीसरे भाव में गया है, एक से वो बारहवें भाव में गया है। इसके बाद जो श्लोक आता है वो कहता है कि मंगल और बुध कन्या राशि में मेषे जातस्य षष्ठे, मेषे जातस्य षष्ठे यानी षष्ठ भाव में तू बुध भौमो स्थितो, यदि यदि बुध और भौम, भौम मीन्स मंगल, दोनों स्थित हो तो क्या होगा? व्रण स्फोट आदि रोग दो, यानी कि अब देखिए कैसे, देखिए मंगल भी आपका चोट आदि का कारक है, मंगल भी आपका रोग आदि का कारक है, मंगल भी आपके फोड़े फुंसे का कारक है, छठा भाव खुद भी आपके इन चीजों का कारक है। तो जब दोनों भाव का, छठे भाव का भावेश भी वहीं मिल गया, मंगल भी वहीं मिल गया, तो जाहिर है कि उसकी दशा में, अपनी 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 दशा में तो ये ग्रह आपको फोड़े फुंसी, चोट या इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन क्रिएट कर सकते हैं, ये सब चीजें क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ साथ बैठे हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब किसी भी लगन के लिए स्पेसिफिकली तो मैं ये कहूंगा, जब भी किसी लगन की कुंडली आए तो आप जरूर देखिए कि ग्रह आपके कहाँ बैठे हैं और वो दो ग्रह अगर ग्रहों की युक्ति बन रही है तो वो किस किस भाव के स्वामी हैं, अपनी राशियों से वो कहाँ कहाँ गए हैं, उनको देखने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि ये अच्छा फल देने वाले हैं या बुरा फल देने वाले हैं। सिंपल ऐसा नहीं कि भाग्येश लाभेश में गया अच्छा फल करेगा, ये भी देखिए कि भाग्येश लाभेश में जाने से पहले अपनी दोनों राशियों से कहाँ गया है, उसके बाद ही यू कैन डिसाइड कि ये फल अच्छा करेगा या कैसा फल करेगा। इसके बाद आता है मेष लगन मेषे जातस्य भौमस्तु अष्टमस्तो न योगदय रवि शुक्र समायुक्त स्वल्पदस्य भविष्यति। ये क्या श्लोक बोलता है,
इसको जरा देखने की बात है इसके अंदर। देखिए ये कहता है कि मेष लग्न वालों का लग्नेश मंगल यदि अष्टम स्थान में हो तो अच्छा फल नहीं करता। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि कोई भी लग्नेश अगर अष्टम स्थान में जाएगा तो वो फल के नुकसान करेगा। कोई भी भाव का स्वामी यदि 6-8-12 में जाता है तो वो अपने भाव की हानि करता है, ये तो है ही। लग्नेश अष्टम में गया है, हालांकि अपनी ही राशि में गया है, तब भी वो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम तो क्रिएट कराएगा ही कराएगा, क्योंकि उसको कलह देनी है, पीड़ा देनी है, क्योंकि कलह और पीड़ा के भाव में गया है। तो देनी कहाँ से है? स्वयं से देनी है, यानी आपसे देनी है, क्योंकि रिसोर्स तो वो आपका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहाँ का मालिक है और फल इसने यहाँ के देने हैं, तो यहाँ का मालिक है तो रिसोर्स यहाँ के लेगा, यानी आपको इस्तेमाल करेगा और पीड़ा देगा। तो ये तो प्रॉब्लम है, अच्छा फल नहीं देता। लेकिन अगर सूर्य शुक्र से स्थित हो, युद्ध हो गए 8वें यहाँ बैठा हो तो थोड़ा अच्छा फल करता है, वो क्यों? ये सोचने वाली बात है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि लग्नेश मंगल इस भाव में गया तो अच्छा फल नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि अगर सूर्य शुक्र साथ बैठे हों तो वो कुछ अच्छा फल करेगा। कैसे करेगा? सूर्य क्या है इसमें? सूर्य पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा है। और शुक्र क्या है? शुक्र धनेश है, तो पंचमेश और धनेश दोनों यहाँ बैठे हैं इसके साथ। तो युति, मैंने आपको बताया था कि युति में ग्रह एक दूसरे के गुण धर्म को भी ले लेते हैं। तो चूंकि इस युति में मंगल नुकसान कर रहा था, लेकिन जो साथ में ग्रह बैठे उनकी पॉजिटिविटी को भी वो ले लेगा। सूर्य पंचमेश है तो पंचमेश के गुण भी वो ले लेगा, और शुक्र धनेश है तो धनेश के गुण भी वो ले लेगा। तो मतलब उतना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है, पीड़ा क्रिएट करेगा, सब कुछ क्रिएट करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको विवेक दे, बुद्धि दे, संतान से सुख दे और धन दे, ये सब चीजें भी आपको वो दे सकता है। इसके बाद आता है, यदि एकादश भाव में मेष लग्ने तू जातस्य रवि सौम्य स्थास्था लाभस्था यदि तेषाम च दशा भाग्य प्रदा स्मृता। इसका मतलब क्या होगा? वो कहता है कि मेष लग्न हो और रवि और सौम्य, रवि सौम्य, सूर्य और बुध सौम्य कहते हैं, साथ स्थित हो, और उसमें यदि लाभस्थ भाव में हो और तो क्या होगा? यदि एकादश भाव में कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र हो, ये कैसे? एकादश भाव में कुंभ राशि में सूर्य बुध और शुक्र तीनों ग्रह हो तो वह अपनी दशा भुक्ति में धन आदि के संबंध में शुभ फल करने वाले होंगे। वो कैसे? ये जरा ध्यान दीजिए कि ये ग्रह अगर तीनों यहाँ बैठे होंगे तो वो अपनी दशा में या अपनी अंतर दशा में शुभ फल क्रिएट करेंगे। ऐसा क्यों? ये आप देख सकते हैं। देखिए तो इसके लिए देखने का ये जरूरी है कि आप देखिए कि सूर्य क्या है। सूर्य पंचमेश है। शुक्र क्या है? शुक्र धनेश है। बुध क्या है? बुध आपका षष्ठेश भी है, बुध आपका ये पराक्रमेश भी है। तो यहां पर तो कुछ आपको बात बनती नजर नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब आप ये देखिए इसके अंदर के सूर्य, ये तो क्लियर है कि सूर्य पंचम का स्वामी होके, त्रिकोण का स्वामी होके धन पर ग्रह है, लग्न में लाभ भाव में बैठा हुआ है तो धन देने वाला तो बनता है। और शुक्र भी धनेश, मान लिया हमने कि शुक्र भी धन का स्वामी है या धनेश होगा धन प्रंत, तो दोनों घाम दोनों इस भाव में बैठे तो धनप्रद तो हो गए। अब होता क्या है कि बुध की बात यह आ जाती है कि बुध के बारे में ये कहा जाता है कि बुध जैसे ग्रहों के साथ बैठे, आल्दो बुध इज लॉर्ड ऑफ सिक्स्थ भावा, बट ये कहते हैं कि युति में बुध जैसे ग्रहों के साथ बैठे वो वैसा ही फल देना शुरू कर देता है। तो चूंकि बुध सूर्य और शुक्र के साथ बैठा है तो बुध अपनी युति में सूर्य शुक्र के साथ बैठ के उन्हीं की तरह फल करने लगेगा और आपको पंचमेश और धनेश के फल उसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। मेष जातस्य लग्नस्थो भानु कर्कटे यदि चंद्रो यदि भवेत जाते राजयोगम सबनश्ने। इसका क्या मतलब है? यदि मेष लग्न वालों का सूर्य लग्न में हो और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो तो जातक को राजयोग की प्राप्ति होती है। ये कैसे? देखिए मेष लग्न वालों का सूर्य अगर इसमें बैठा है, सूर्य मेष में बैठा है, तो सूर्य मेष में
बैठा है तो बहुत अच्छा है। लग्न में बैठा है सूर्य आपका पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, और लग्न वाले भाव को केंद्र भी कहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि त्रिकोण का स्वामी जाके केंद्र में बैठ जाए। और चंद्रमा केंद्र का स्वामी है और स्वयं अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य त्रिकोणेश होकर केंद्र में उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वो शुभ फल करेगा। यहां तो ये क्लियर हो गया। और चंद्रमा अपनी स्वयं राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है तो पक्ष बलि हो गया, चंद्रमा यहाँ से पक्ष बलि भी हुआ, क्योंकि एक से दूसरे में लगाते हैं तो दो ढाई तिथि यहाँ लगा लो, ढाई तिथि यहाँ लगा लो, ढाई मतलब ये आपका शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और पक्ष बलि है बेसिकली, क्योंकि इसमें ये नवी दसवीं का चंद्रमा करीब ये होगा तो ये पक्ष बलि है, तो पक्ष बलि होने से तो पक्ष बलि है, दूसरा स्वयं की स्वयं की अपनी अपनी राशि में बैठा है तो अच्छा फल करेगा, सुख देगा, माँ का सम्मान देगा, माता से प्रेम देगा, तो ये अच्छा देगा, वाहन देगा, धन देगा, ये सब चीज देगा। सूर्य भी लग्न में बैठा है त्रिकोण का स्वामी होके और वो भी अपनी उच्च राशि में बैठा है तो वो भी आपको धन देगा, आपको स्वस्थ स्वस्थता देगा, आपको आत्मिक शक्ति देगा, आपको आत्मसम्मान देगा, आपको स्वास्थ्य देगा, तो ये सब चीजें वो करेगा। तो इसलिए ये मेष लग्न वालों के लिए सूर्य का पहले भाव में बैठना और चंद्रमा का चौथे भाव में बैठना एक राजयोग के बराबर बन जाता है, ये बात इसमें ध्यान देने वाली होती है। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा था ये मेष लग्न के बारे में है। ऑल्दो इसमें एक दो श्लोक मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, वैसे सारे श्लोक ही इंक्लूड किए हैं इसके अंदर, टोटल इसमें करीब 22 श्लोक हैं, लेकिन 22 श्लोक ना इंट्रोड्यूस करके मैंने कुछ दो या तीन श्लोक इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि उसमें इतना कुछ ज्यादा स्पष्टता है नहीं और दूसरी चीज ये वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो जब भी आगे से आप किसी भी लग्न की कुंडली देखें तो उस लग्न वालों के लिए एक्सेप्शन को ध्यान में रखें कि इसमें क्या एक्सेप्शन हैं, और उसके बाद उस कुंडली को देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपको अच्छा पता लगेगा। तो इसको समाप्त करने से पहले और मैं बस आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था कि मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं जुलाई के लास्ट वीक से। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो उस क्लास को अटेंड करने के लिए, 4 महीने का कोर्स है और उस क्लास को जो भी अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो वो मेरे यूट्यूब में जो चैनल है, जो भी मेरे जहाँ देख रहे हैं इसको, वहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपसे बात कर लूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।